हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देख लेते हैं फ्राइडे के दिन यानी कि 26 नवंबर 2021 का मार्केट अपडेट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, फ्राइडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप 100 इंडेक्स, ये चारों इंडेक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी 509 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। बैंक निफ्टी में 1,337 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1,687 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। और बात करें मिड कैप 100 इंडेक्स की, तो मिड कैप 100 इंडेक्स में भी 1,006 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये तो था फ्रेंड फ्राइडे के दिन का मार्केट अपडेट। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से 3 स्विंग ट्रेड स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, जिनको कि आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक का नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। इस शेयर में बाइंग कर सकते हैं अबव 191.10। इसके जो टारगेट आ सकते हैं इन फ्यूचर वे होंगे 199 एंड 205 के। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है जो कि होगा 6 रुपये नीचे 185 के लेवल पर। होल्डिंग टाइम होगा इस शेयर में आपका 1 से 3 वीक का। चलिए अब देख लेते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड को चार्ट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। इस चार्ट में हमने एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। इस ट्रेंड लाइन पे इस शेयर ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनाया है। सबसे पहले इसने सपोर्ट लिया था इस ट्रेंड लाइन पे 24 अगस्त को, उसके बाद इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। और सेकंड टाइम इसने सपोर्ट लिया था इस ट्रेंड लाइन पे, वो था 29 अक्टूबर का दिन। 29 अक्टूबर को इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, उसके बाद इसमें फिर से तेज़ी देखने को मिली थी और ये शेयर ने 205 रुपये के हाई वहाँ से बनाए थे। अब इसने तीसरी बार फिर से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। मैं आपको दिन बता देता हूँ, दिन था 22 नवंबर। 22 नवंबर को इसने फिर से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है और उसके बाद कंटिन्यूस ये 3-4 दिन से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी इसमें क्या है, एक क्रूशियल लेवल बना हुआ है जिसका कि वैल्यू है 191.10। तो अभी हमें इस शेयर में वेट करना है। जैसे ही ये शेयर 191.10 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब हम इस शेयर में बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और जो हमारे टारगेट बनेंगे वे होंगे 199 एंड 205 के। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 185 के नीचे। तो ये तो था फ्रेंड मिश्र धातु निगम लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं वीडियो में आके और देख लेते हैं आज का हमारा दूसरा स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा दूसरा स्विंग ट्रेड स्टॉक है, उसका नाम है इमामी लिमिटेड। इस शेयर में बाइंग करनी है अबव 540। इसके जो टारगेट आएंगे वे होंगे 552 एंड 566 के। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है जो कि होगा 6 रुपये नीचे 534 के लेवल पे। इस शेयर में आपका होल्डिंग टाइम होगा 1 से 3 वीक का। चलिए अब देख लेते हैं इमामी लिमिटेड को चार्ट पे कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इमामी लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। चार्ट में हमने एक येलो कलर का जोन ड्रॉ किया हुआ है। इस जोन पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनाया है। सबसे पहले इसने इस जोन में सपोर्ट बनाया था 1 जून को, उसके बाद इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। सेकेंड टाइम इसने इस जोन पर सपोर्ट बनाया था 26 अक्टूबर को। और थर्ड टाइम इसने अभी दोबारा से रिसेंटली यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया है वो था 22 नवंबर को। तो अभी इस जोन में सपोर्ट बनाने के बाद 22 नवंबर के बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अभी हमें इस शेयर में वेट करना है। जैसे ही आने वाले दिनों में ये शेयर 540 के लेवल्स को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है आधे से 1 घंटा, तब हम इसमें बाइंग के लिए पोजिशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 552 एंड 566। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 534 के पास में, जो कि है 6 रुपये नीचे। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो था इमामी लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देख लेते हैं आज का हमारा तीसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा तीसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक, उसका नाम है अरबिंदो फार्मा लिमिटेड। इस शेयर में बाइंग कर सकते हैं अबव 686। इसके जो टारगेट आएंगे इन फ्यूचर भी होंगे 705, 715 एंड 730 के। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है जो कि होगा 10 रुपये नीचे 676 के लेवल पे। इस शेयर का होल्डिंग टाइम होगा 1 से 4 वीक का। चलिए अब देख लेते हैं अरबिंदो फार्मा लिमिटेड को चार्ट पे कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो अरबिंदो फार्मा लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। इस चार्ट में हमने आप देखिए एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो कि इस शेयर का रेजिस्टेंस को शो कर रही है। इस ट्रेंड लाइन पे शेयर ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है। सबसे पहले इसने रेजिस्टेंस बनाया था 16 सितंबर को, उसके बाद आप देखिए 4 अक्टूबर को, उसके बाद 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, फिर 10 नवंबर, 17 नवंबर और अभी कल के दिन में इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इसको ब्रेक कर नहीं पाया और क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे हमें देखने को मिली है। तो अभी हमें इस शेयर में वेट करना है। इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है
686.60 रुपये। अगर ये शेयर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और अगले दिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है आधे से एक घंटा, तब हम इस शेयर में बाइंग के लिए सोच सकते हैं। फर्दर टारगेट ऑफ 705, 715 एंड 730। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 676 के पास में। तो ये तो था फ्रेंड औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हमने कौन से तीन स्विंग ट्रेड स्टॉक डिस्कस किए हैं। आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक था मिश्र धातु निगम लिमिटेड का। आज का हमारा दूसरा स्टॉक था इमामी लिमिटेड का। और आज का हमारा तीसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक था औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड का। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इन तीनों शेयर्स को आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करना है। जैसे इनमें बताए गए लेवल्स आते हैं तब आप इनमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तीन नए स्विंग ट्रेड स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैप्पी वीकेंड।